हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आज हम आए हैं हमारे मित्र जितेंद्र सर से मिलने के लिए। इनका भी यूट्यूब पे चैनल है, इनके 100 के सब्सक्राइबर का सिल्वर प्ले बटन भी आ चुका है। आज हम इनसे बात करने के लिए आए हैं। इनका सफ़र कैसा रहा यूट्यूब का, क्या इन्होंने मुश्किलें झेली हैं, सारा सफ़र सर कुछ बताइए हमारे। तो सबसे पहले तो भैया सभी को नमस्कार। जो आप लोग हमारे पास आए, इतना सम्मान दिया है, इसके लिए भैया सब लोगों को मतलब थैंक यू। और आपके जितने भी चैनल मेंबर्स हैं सबके लिए भैया मेरा नमस्कार है। और शैलेंद्र भाई का स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो अब आप पूछ सकते हैं जो आपको पूछना है। तो सर आपकी ये जर्नी जो है कैसे स्टार्ट हुई शुरुआत में। तो शुरुआत तो कुछ ऐसे हुई थी कि जैसे मतलब मैं जॉब करता था पहले दूसरी जगह पर, तो लॉकडाउन में जॉब छूट गई। फिर उसके बाद में अपन ने क्या किया कि यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट किया लगभग 2 साल पहले। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे क्वालिटी में अपन ने सुधार करते गए, तो आज जो नतीजा है वो आपके सामने है। अच्छा, तो ये आपको आइडिया कैसे आया कि हमको यूट्यूब पर वीडियो बनाना चाहिए, या किसी से प्रेरित हुए कुछ। देखिए जैसे अब मोबाइल अपन सभी लोग चलाते हैं और कुछ भी हाँ चीज़ अपन सर्च करते हैं यूट्यूब पे, तो ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा था तो उस पर एक वीडियो आया कि यूट्यूब से पैसा कैसे कमाएं। तो वो वीडियो को मैंने देखा कैसे कमा रहे हैं लोग, तो उसमें यूट्यूब पर वीडियो बनाकर लोग कमाते हैं, तो मैंने सोचा यार हम भी कमा सकते हैं। तो फिर एजुकेशन चैनल अपन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जिस चीज़ का आपको नॉलेज होगा भाई, जिस चीज़ का आपको नॉलेज होगा वही चीज़ आप लोगों को बताएंगे। तो अपन को थोड़ा सा एजुकेशन में इंटरेस्ट भी था और थोड़ा सा मतलब नॉलेज भी था, तो अपन ने एजुकेशन चैनल स्टार्ट कर तो दिया। आप मैथ की वीडियो बताते हैं, किस क्लास से किस क्लास तक। अपन जो है कोई ऐसी फिक्स क्लास नहीं है कि मतलब अपन एक क्लास के लिए ही पढ़ाते हों, अपन पढ़ाते हैं जैसे कि कोई अगर पहली क्लास का बच्चा भी होगा वहाँ से लेकर कंपटीशन एग्ज़ाम तक की जितने भी मतलब ट्रिक्स हो गए या फिर अलग अलग टॉपिक की जो मैथ होती है वो सब अच्छा, पढ़ाते तो हैं ये अपन। आप जो हम देखते हैं बाकी सर पढ़ाते हैं, कई यूट्यूब चैनल हैं, तो आपकी क्या ट्रिक है, आप अलग कुछ, आपकी अलग से कोई ट्रिक है पढ़ाने की। देखिए ट्रिक और ये सब कुछ अलग नहीं होता है, बस ये होता है कि कौन कितने अच्छे से बता सकता है। जैसे कि कोई भी ट्रिक है, अब ट्रिक आप समझाएंगे तो आपके समझाने का तरीका अलग अलग होगा, मैं है। समझाऊंगा तो अलग होगा। अब मैटर ये करता है कि कौन अच्छे से बता पा रहा है ट्रिक को, कौन अच्छे से बता पा रहा है। जो अच्छे से बताएगा उसकी वीडियो चलेगी, ये तो आप मुझसे बात अच्छा बताएंगे तो आपकी चलेगी, मैं अच्छा बताऊंगा तो मेरी चलेगी। मतलब बताने का तरीका मैटर करता है। चलो, ये तो हुई पढ़ाई की बात। अब थोड़ा पूछते हैं इनसे सफ़र कैसा रहा इनका। जब शुरुआत की तो मुश्किलें तो बहुत आई होंगी, तो कुछ उसके बारे में शेयर कीजिए, बताइए क्या कैसा था आपका सफ़र। तो देखिए शुरुआत में सफ़र सभी का ख़राब होता है, जैसे मतलब कुछ इंटरेस्ट में मज़ा नहीं आता है शुरू शुरू में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पर आते हैं किसी को देखा देखी आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी को देखा भाई इसका अच्छा चल रहा है, तो आपने क्या किया उसकी नकल आप करने लग गए। अब आप क्या करेंगे, 1-2 महीने अच्छे से मेहनत करेंगे, 1-2 महीने के बाद जब आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी या फिर कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो आप फिर छोड़ देंगे, फिर दूसरा कोई टॉपिक पकड़ लेंगे। तो इसमें क्या होगा कि आप मतलब सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी काम क्या है कि मतलब आप सबसे पहले अपना जो आपके अंदर टैलेंट है उस टैलेंट को उसी पे काम करो, और जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक आप करते रहो। हाँ, तो जैसे हमारा भी आप यही था कि मतलब अपन ने एजुकेशन चैनल को पकड़ लिया, और एजुकेशन में अब भले सफलता मिले ना मिले लेकिन हम उसमें लगे रहे। लगभग 2 साल हो गए हैं मुझे काम करते हुए, और 5-6 महीने तक तो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं था। फिर उसके बाद में थोड़ा रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हुआ, तो फिर थोड़ा सा अगर पैसा भी आने लग जाए तो फिर अपना मन लग जाता है, वो तो तो फिर सभी का मन लग मन लग जाता, गया तो फिर बस आज जो सब आप कुछ देख रहे हैं ये सब उसी का नतीजा है। पैसा सबको खींचता है। तो हाँ आप सही बात है। ये बताइए, जब आपके 100 के सब्सक्राइबर हुए थे तब आपको क्या फील आया, खुशी थोड़ा। अब देखिए आप किसी भी जॉब में रहेंगे तो वहाँ पर जब आपका प्रमोशन होता है, जैसे कि आप छोटे वाली पोस्ट पे थे प्रमोशन होता है, तो खुशी तो हर किसी को होती है। ऐसे ही जब यूट्यूब पे भी ऐसा ही है कि मतलब आप काम कर रहे हैं और काम करने का अगर आपको कोई अवार्ड दिया जाए वो भी यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे, तो खुशी तो होती ये तो है। खुशी की तो जब बात 1 लाख का जो हमारे पास में आया था तो बहुत खुशी हुई थी, और इंजॉय करने का बहुत सोचा था कि मैं इनका केक में काटेंगे, लेकिन उस टाइम पे मतलब परिस्थिति ऐसी हो गई कि नहीं कर पाए। तो अब 1 मिलियन पे करेंगे, 1 मिलियन जल्दी से करवाओ आप लोग, तो 1 मिलियन पे अभी खूब एंजॉय करेंगे। तो आपको बता दें, अभी 561 के हैं, तो आप सभी इनको सपोर्ट बनाए रखें, हमारा भी सपोर्ट करें थोड़ा बहुत,
इनके भी 1 मिलियन हो जाएं। आएंगे जब 1 मिलियन होंगे फिर आएंगे, एक और वीडियो आपको बताएंगे 1 मिलियन पर कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या होता है। अगर सर ने बुलाया तो ज़रूर आएंगे। मैं तो बोल रहा हूँ ऐसे ही। और जितने भी लोग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर हों इनके व्यूअर हों, जिनने भी सब्सक्राइब नहीं किया है इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये भी अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाते हैं, और बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं बहुत सारे, छोटे भी बड़े भी सभी को लेकर चलते हैं, तो उनकी कैसी क्या जुन रही। और ये भी कहीं कहीं पर घूमते हैं तो वहाँ का अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखाते हैं, तो आप भी इनके साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा इनके चैनल को। तो अभी कुछ जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए कुछ सजेशन देना चाहते हैं आप? अब व्यूअर्स देखिए, अब व्यूअर्स को क्या सजेशन दें भाई, अच्छे पढ़ो लिखो और लाइफ में अच्छे सक्सेस। जो जैसे जो आना चाहते हैं यूट्यूब में, जो चाहते हैं कि नहीं हम भी यूट्यूब पे वीडियो बनाएं, अच्छा, कि हम भी थोड़ा आगे बढ़ें। कई लोग ऐसा होता है कुछ वीडियो बनाई, 2 महीने 4 महीने बनाई, फिर उन्होंने चैनल बंद कर दिया, तो उनके लिए कुछ मोटिवेशन? उनके लिए भैया यही है कि 100 जगह गड्ढा खोदने से अच्छा है कि गड्ढा 1 जगह खोद के वहाँ से पानी निकाल लिया जाए। बहुत सारे लोग यही करते हैं कि गड्ढा अलग अलग जगह खोदते हैं, 10 फीट यहाँ खोद दिया, 10 फीट यहाँ खोद दिया, 10 फीट वहाँ खोद दिया, तो भाई साहब कहीं से भी पानी निकलेगा नहीं। अगर पानी निकालना है तो एक ही जगह पर 100 फीट खोदना पड़ेगा। तो यही आपको यूट्यूब में करना पड़ेगा कि भाई आप किसी को देख के अलग अलग टॉपिक में जाएंगे, भाई इसका अच्छा चल रहा है इसके पास चलेगा, उसका अच्छा चल रहा है उस पर वीडियो बनाने लग गए, तो ये चीज़ आपको छोड़नी होगी, अपनी खुद की एक चीज़ पकड़नी होगी और उसी में आपको पूरी मेहनत करना होगा, तभी आप उसमें सक्सेस हो पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ सभी यूट्यूबर को ध्यान रखना चाहिए जो यूट्यूब पर हैं, एक टॉपिक को पकड़ लीजिए और उसमें आप जी लगा दीजिए पूरा, तो आप 100% सक्सेस हो जाएंगे। जो सर ने सलाह दी है हमारे हिसाब से तो सही है। बाकी आप सर का सेटअप भी देखना चाहेंगे तो हम सेटअप आपको अभी दिखा सकते हैं। थोड़ा क्या है, लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, मतलब यूट्यूब से लोग क्या क्या कर सकते हैं। भाई मैं तो एक छोटा सा उदाहरण हूँ, और बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिन्होंने क्या क्या कर दिया है वो सब आपको पता होगा, लेकिन हमारी छोटी सी व्यवस्था है ये आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी सर बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, 561 के थोड़ा हंसी खेल नहीं होता है करना, मेहनत सबको दिखती है। कुछ भी नहीं होता है भैया, सबको मेहनत दिखती है कि सामने वाले कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या रिजल्ट ही बताता है सभी सब कुछ। सबको बस रिजल्ट दिखता है लेकिन पीछे जो मेहनत की है वो किसी को नहीं दिखती है। हेमराज भाई आप सेटअप थोड़ा दिखाइए। तो चलिए अब मैं दिखा देता हूँ आपको जो जो चीज़ें हमारे पास में है और हम किस चीज़ का क्या यूज़ करते हैं। तो यहाँ शुरुआत करते हैं, ये वाला जो सिस्टम है ये हमने सबसे पहले ख़रीदा था जब चैनल स्टार्ट किया था, इनकम वगैरह कुछ भी नहीं थी, जो थोड़ा बहुत पैसा था उसी से लिया था, लेकिन फिर भी ये अभी भी काम करता है और छोटा मोटा जो काम है वो हम इस पे कर देते हैं। और यहाँ पे ये होम थिएटर रखा हुआ है, म्यूजिक सुनते हैं कभी कभी हम, जब मतलब काम में थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है ना तब म्यूजिक सुनते हैं इसमें। और बाकी लाइट आप देख रहे हैं, इतनी सारी ये लाइट जलती है तब जाके रिकॉर्ड होता है पूरा सिस्टम, और वीडियो क्वालिटी उसी से आती है। और ये जो माइक है ये है वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए, जब किसी चीज़ में वॉइस ओवर करना होता है तो इससे करते हैं। और ये कनेक्टेड है उस लैपटॉप से, इसकी जो वॉइस है वो लैपटॉप में रिकॉर्ड होती है और फिर इसी में एडिट करके और हम अपलोड कर देते हैं। ये इसका ये ख़राब ना हो इसलिए अलग से लगाया हुआ है ये वाला हमने। और ये माउस है और ये कैमरा है, अभी तो आज छुट्टी थी, संडे था, इसलिए ये सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, आज कोई काम नहीं किया। और बाकी ये जो चीज़ें हैं इनमें सब में बुक्स वगैरह भरी हुई हैं, इनमें से पहले हम पढ़ लेते हैं जो भी चीज़ें पढ़ाना हो। ये कीबोर्ड वगैरह पुराना वाला पड़ा हुआ है, और ये सिल्वर प्ले बटन का जो इसी में रखे आया था, और ये बुक्स वगैरह हैं, और इसमें कुछ ज़रूरी सामान रखे होते हैं जैसे लैपटॉप का पेन ड्राइव वगैरह, ये सामान इसमें है। और इसके बाद इसमें सारा कचरा भरा हुआ है, इसको नहीं निकाल रहे। इसके बाद इसमें भी बुक्स वगैरह भरी हुई हैं, जो वो अलग टॉपिक की बुक्स हैं, ये अलग हैं। हमारे चैनल पर क्या रहता है, कभी कभी इंग्लिश भी पढ़ा देते हैं जब मूड बन जाता है, तो इंग्लिश की इसमें है। और ये पढ़ी हुई है गणित की बुक, मैथ की बुक, और बस ज़्यादा कुछ तो है नहीं। और यहाँ पे ये बोर्ड है, इसी बोर्ड पे हम पढ़ाते हैं, और ये भगवान जी बैठे हुए हैं, इनकी कृपा से सब कुछ होता है। सबसे पहले इनकी पूजन होती है और इनकी कृपा से सब कुछ होता है, भाई एनर्जी यहीं से आती है। फिर इसके बाद में जब 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे तब YouTube वालों ने ये भेजा था, सभी को भेजते हैं जब 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो ये है। और ये है हमारा ग्रीन पर्दा,
कभी कभी वैसे ये वाली वीडियो हम बनाते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी जब ज़रूरत लगती है तो जैसे बैकग्राउंड चेंज करना हो तब हम इसका यूज़ करते हैं, बाकी इसका वैसे कोई यूज़ नहीं है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। और यहाँ पे क्या रहता है, वीडियो में आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा अगर फ़ैन चलता है तो उसके लिए हमने एसी लगाया हुआ है, इसमें से आवाज़ नहीं आती है और कूलिंग रहती है, बस ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही सब कुछ है। बाकी यहाँ पे देखो ये है कैमरे का स्टैंड, इस पे कैमरा लगाया जाता है, और कभी जब कैमरा मान लो डिस्चार्ज हो गया या कुछ हो गया तो फिर हम मोबाइल पे करते हैं, वो मोबाइल का स्टैंड है, तो दोनों का काम इसलिए ये है, और बाकी कुछ नहीं है, बस बाकी सब आपने देख ही लिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। दोस्तों, जितेंद्र सर से मिलकर बात करके बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। आप लोगों ने इनका सेटअप देख ही लिया होगा, सेटअप कैसा है। तो अभी समय भी हो चुका है, हमको भी निकलना है, थोड़ा दूर जाना है। हम भोपाल से मिलने के लिए, स्पेशल सर से मिलने के लिए यहाँ सलामतपुर आए थे। घर का एड्रेस नहीं देंगे, अगर नहीं तो बाद भाई में मेरे तो घर पे भीड़ परेशानी लगा होगी, ज़्यादा भीड़ लग जाएगी। तो अभी हम निकल रहे हैं, आपको सर से आखिरी बार आगे हम आएंगे जब सर के 1 मिलियन हो जाएंगे। ये आगे बता भी चुका हूँ मैं, एक बार फिर बता देता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद जो सर। आप आए बिल्कुल सर, चलते हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर से कर देना भैया। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो दबा के लाइक ठोक देना, और वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों। आपको आगे और ब्लॉग दिखाते जाएंगे। अभी हम यहीं से आए थे, सर से मिलना भी हो गया है। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।